क्राइम न्यूज। दोस्तों, चढ़ती जवानी और बेलगाम हवस की ये कहानी भोपाल से सामने आई है। जरीना अपने प्रेमी जावेद के साथ 61-62 कर रही थी, तभी उसका पति सलमान वहां आ जाता है तो उसके बेडरूम में से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे किसी का वर्षों का प्यास बुझ रहा हो। और जैसे ही वह रूम में प्रवेश करता है तो देखता है उसकी पत्नी प्रेमी के साथ अवैध संबंध बना रही थी। ऐसा देखकर उसके पैरों तले तो मानो जमीन खिसक गई हो। नमस्कार दोस्तों, अफेयर क्राइम न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को अफेयर क्राइम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जब सलमान रूम में पहुँच जाता है तब जावेद और जरीना अलग अलग हो जाते हैं और जावेद रूम से बाहर भाग जाता है। सलमान जरीना से कहता है, क्या मुझसे तेरा इच्छा नहीं भरता है जो ऐसा कर रही है? वह कहती है, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूंगी। और सलमान के पैरों को पकड़ लेती है, माफ़ी मांगने लगती है। सलमान कहता है, दिन भर का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जरीना कहती है, ठीक है। सलमान जरीना को छोड़ देता है और वह वहां से चला जाता है। सलमान जरीना से छोटा उम्र का था इसलिए वह उसके इच्छाओं को नहीं भर पाता था, क्योंकि जरीना को तगड़ा और मोटा मांगता था। जब सलमान जॉब पर चला गया तो जरीना जावेद से फ़ोन लगाकर कहने लगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जावेद कहता है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता क्योंकि मेरी पत्नी तुम्हारे जैसा काम कला में निपुण नहीं है, उसके साथ उतना मज़ा नहीं आता जितना तुम मुझे मज़ा देती हो। इधर जरीना भी यही बात कहती है। फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि तुम अपने पत्नी को भी रखो और मुझसे भी निकाह कर लो। जावेद कहता है, ठीक है। फिर जावेद जरीना के घर आता है और सलमान घर पर नहीं था, वह अपने ऑफिस में था। जावेद 10 दिनों से भूखा था और जरीना भी। जैसे दोनों अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं तभी सलमान आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। इस तरह सुनकर दोनों बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उनका कार्यक्रम नहीं हो पाता है। जरीना दरवाज़ा खोल देती है, जावेद दरवाजे के पीछे छुप जाता है। जैसे सलमान घर के अंदर प्रवेश करता है, जरीना और जावेद दोनों सलमान को पकड़ लेते हैं और बड़ी बेरहमी से सलमान की हत्या कर देते हैं। जरीना हवस में इतनी अंधी हो गई कि अपने ही पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर देती है। दोस्तों, जब इस घटना की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में दोनों पकड़े गए और अपने गुनाह को कबूल करके जेल चले गए। तो दोस्तों, आपराधिक मानसिकता को समझें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और इस कहानी से यह ज्ञात हुआ कि शादी करते समय लड़की का उम्र लड़के के उम्र से 2 साल कम से कम छोटा होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।